थाना छाता पुलिस ने तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 90 किलो गांजा बरामद। बरामद माल की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्रीय अधिकारी छाता के पर्यवेक्षण में छाता में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23/7/2020 को गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त मोहम्मद जाफर शेख पुत्र इसराइल शेख निवासी एटी कुरु मतिगीरा वार्ड संख्या 11 पोस्ट एवं थाना रैरी खोल जिला संबलपुर उड़ीसा सादा पुत्र स्वर्गीय शमशाद निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत को मैं अवैध गांजा 90 किलो व तस्करी में प्रयोग की जा रही कार संख्या CG04GF5800 फ्लुएंस रेनोल्ट के गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना छाता द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान एक रेनॉल्ट वाहन से सीट के नीचे छुपा कर ले जाए जा रहे 90 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जो कि रायपुर से दिल्ली की ओर ले जा रहे थे। इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद जाफर शेख सनाफ इसराइल निवासी संभलपुर उड़ीसा तथा दूसरा शादाब सनाफ स्वर्गीय शमशाद निवासी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।